हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राजधानी जयपुर में आज महर्षि दधीची जयंती के उपलक्ष्य में महर्षि दधीची देहदान यज्ञ उपक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रचना शरीर विभाग द्वारा देहदानियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि समाजसेवी कमल संचेती, संजय शर्मा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति संजीव शर्मा, कुलसचिव ए रामामूर्ति, प्रोफेसर कमलेश कुमार शर्मा, जेपी शर्मा, प्रोफेसर सुनील यादव द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथियों द्वारा अमर्त्य एक यात्रा जीवन के उपरांत पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही इस दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को वर्ष 2019 से अब तक देहदान करने वाले 21 देहदानियों के परिवारजनों और देहदान हेतु प्रतिज्ञा लेने वाले 27 व्यक्तियों का शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि समाज सेवी कमल संचेती ने संबोधित करते हुए कहा कि देहदान आसान काम नहीं है। लोग दान करना तो चाहते हैं, पर उनको इसकी सही जानकारी नहीं है कि देहदान कहाँ करनी है। सर्जरी को सीखने के लिए सबसे ज्यादा देहदान की आवश्यकता होती है और हम इस ओर प्रयासरत हैं। कुलपति द्वारा देहदान के प्रति सम्मान और उनकी याद में वृक्षारोपण कार्यक्रम की सराहना की गई। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान सदैव देहदानियों के प्रति ऋणी रहेगा। हमें समाज में देहदान की भ्रांतियों को दूर करना होगा। महर्षि दधीची के देहदान के त्याग को लोक कल्याण के लिए बताते हुए देहदान के प्रति लोगों को भी जागरूक करना होगा। देहदान के साथ अधिक से अधिक अंगदान में भी हमें भाग लेना चाहिए। देह का उपयोग हो, बस यही हमारी मंशा होनी चाहिए। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर सुनील यादव ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में देहदान हेतु समय समय पर समाज सेवियों, समाज सेवी संगठनों की सहायता ली जाती है और आमजन को संस्थान में देहदान के प्रति जागरूक किया जाता है। देहदानियों के परिवारजनों को संस्थान द्वारा समय समय पर कई कार्यक्रमों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है और संस्थान के धन्वंतरी उपवन में उनके नाम से पौधारोपण भी किया जाता है। कार्यक्रम में समाज सेवी, शिक्षकों, चिकित्सकों, विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। एकता समाचार के लिए जयपुर से साबिर कुरैशी की रिपोर्ट। जो तो प्रोसेस था वो दूसरे संस्थानों से हमें एक दया याचिका के रूप में मानव शव मिलता था, क्योंकि ये गणेश जी का समय चल रहा है, गणेश चतुर्थी अभी गई है और सर हमारे लिए विघ्नकर्ता के रूप में उपस्थित हुए और एक प्रेरणा थी कब तक ये मांगने की स्थिति आपकी रहेगी दूसरे संस्थानों से। अरे मांगना है तो उनसे मांगो जो देने वाले असल में। और सर रचना को एक मार्गदर्शन दिया, साथ में मैडम मीता जी का वो याद करना चाहूँगा कि उनकी भी ये संप्रेरणा थी उस दौरान। ऐसे समाज में बहुत सारे महापुरुष हैं जो कि संचेती जी से हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि इस यज्ञ की संविधा आपके थ्रू ही आनी थी। समाज के अंदर ये एक्सेप्टेंस ही आयुर्वेद के अंदर की क्या मानव शवों की आवश्यकता हो सकती है, ऐसे समाज के अंदर कोई सूचना ही नहीं थी कि वो उनके पास एक जानकारी थी SMS मेडिकल कॉलेज एक है जहाँ देहदान किया जा सकता है। तो ऐसे इस यज्ञ में आहुति प्रदान करवाने वाले माननीय कमल संचेती, मैं आपका स्वागत करता हूँ सर इस कार्यक्रम में। जब इस विषय की प्रारंभिक अवस्था थी, जब इसके ऊपर चर्चा ही होने लगी, तो मेरे गुरुवर प्रोफेसर कमलेश शर्मा जी भी उस मीटिंग में थे और ऐसी एक मिसाल कायम करने के लिए कि चलिए हमें समाज से ये सहयोग मिलेगा, लेकिन क्या संस्थान परिवार भी इसमें अपना कुछ सहयोग दे सकता है। और आपने स्वेच्छा से प्रथम देहदाता प्रतिज्ञाकर्ता के रूप में अपने आप को रजिस्टर करवाया, ऐसे मेरे गुरु और प्रोफेसर कमलेश जी सर का मैं स्वागत करता हूँ यहाँ। क्योंकि समाज में एक जैसे श्री कमल संचेती जी ने हमें सहयोग किया, ऐसे अनेक समाज सेवी हैं जो अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही विगत पिछले 6 महीने से हमारे संपर्क में आए श्री संजय शर्मा जी, हमारे इस संस्थान के कुल सचिव प्रोफेसर ए रामामूर्ति जी, हमारे संस्थान के संयुक्त निदेशक श्री जेपी शर्मा जी, रचना चार्य विभाग के विभागाध्यक्ष और इस पूरे कार्यक्रम के पुरोधा
प्रोफेसर सुनील कुमार जी, डॉक्टर संदीप लांगे जी, यहां मेरे सम्मुख उपस्थित सभी वो परिवारजन जिन्होंने अपने प्रिय परिवार के सदस्य का यहां राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में देहदान किया और सभी देहदान प्रतिज्ञा करने वाले यहां पर उपस्थित देहदानी मीडिया के बंधु, मेरे फैकल्टी के सदस्य और छात्र वर्ग, कमल जी और कमलेश जी, आपने भी और हमने भी जीवन में बहुत कार्यक्रम देश में विदेश में देखे, भाग लिया, लेकिन आज का ये कार्यक्रम विशेष उन कार्यक्रमों में जो भाग लेकर के या उनका हिस्सा बन करके शायद उतनी खुशी हमें नहीं होती है जितनी आज खुशी के साथ साथ एक गौरव की अनुभूति हो रही, क्योंकि देहदान ये जीवन का सबसे बड़ा दान है, मैं ऐसा मानता हूं। जिसने देह का दान कर दिया वो सबसे बड़ा दान है। और आज मैं उन लोगों के सम्मुख हूं जिन्होंने या तो अपने देह को दान करने की प्रतिज्ञा ली है, शपथ ली है कि हम अपने देह का दान करेंगे, और हमारे पहले प्रतिज्ञाकर्ता के रूप में प्रोफेसर कमलेश कुमार जी हैं जिन्होंने इस संस्थान के लिए अपनी देह दान की प्रतिज्ञा ली है। कमलेश जी, आपका ये संस्थान आभार प्रकट करता है, लेकिन आभार में या धन्यवाद ये बहुत छोटे शब्द हैं आपकी प्रतिज्ञा के लिए। आपने जो ये प्रतिज्ञा ली है, मेरा नाम अखिलेश है, अखिलेश दर्जी, मैं घोटात से हूँ, और हमारे हीरालाल जी केसरीमल, एच केसरीमल जो हैं, उनके वहाँ से हम हमेशा अपने आभूषण लाते हैं, और इनका जो गोल्ड है वो एकदम 24 कैरेट के इक्वल ही, अर्थात बहुत शानदार। और जब भी हम कोई भी हमारे फंक्शन होता है, विवाह होता है, वहीं से हम ऑर्नामेंट लाते हैं। मेरे और मेरे जीजी के वहाँ जीजी है और मेरे बुआ है, सब कुछ हम उनके ही ग्राहक हैं, और हमारा परिवार जैसा वहाँ व्यवहार है। जहाँ जब भी जाते हैं, कुछ भी है, तो यूँ लगता है कि अपने घर में बैठे हैं, ऐसा है। और हर तरह का सोने और चांदी का वो सभी प्योर शुद्ध आभूषण मिलता है, हम वहीं जाते हैं, और उनको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमें जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई होता है, तुरंत याद करते हैं।